मेष राशि, आप पर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारियों का भार है, इसलिए आपको अपने समय का प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा। हालांकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं अगर आप उनके सहयोग की मांग करें, लेकिन अधिकता में कुछ न कहें, क्योंकि एक बिंदु के आगे वे आपको ना भी कह सकते हैं। आप में भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा रहेगी। वृषभ राशि, आज आतिथ्य या परोपकारी गतिविधियों में काम कर रहे लोगों के लिए एक विशेष दिन है। आज आपके विद्रोही भी आपके सामने झुकेंगे, सफलता आपके पास आएगी। आप किसी भी दबाव में या जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें जिससे आपको कोई नुकसान हो। अगर आप आय के अधिक स्रोतों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं तो आज आप भाग्यशाली हो सकते हैं। मिथुन राशि, आज उत्तरार्ध में एक व्यापारिक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यह बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर होगा। अगर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं तो पूर्वार्ध में अवकाश लेकर अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आप अपने आप को औरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कर्क राशि, चीजें आपके अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं जैसे कि आपने योजना बनाई थी, लेकिन आपको इस कारण से आक्रामक नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपके सारे प्रयास बर्बाद हो सकते हैं। कार्य में प्रगति के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन ये इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। आपसे कम प्रतिभाशाली व्यक्ति आपके समक्ष आ सकता है जिसके पास काफ़ी ताकत होगी, लेकिन समय की मांग है कि इस व्यक्ति के साथ विवाद में ना उलझें, जो कि आपके स्वयं के सर्वोत्तम हित में होगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए व्यस्त रहने की संभावना है क्योंकि आपकी उपस्थिति अलग अलग दिशाओं में वांछनीय होगी। हालांकि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप अधिक से अधिक समय समर्पित करने की कोशिश करें। ऑनलाइन परीक्षार्थियों या प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शक की तलाश करें। आज आपको खर्चों की तुलना में अधिक बचत पर ध्यान देना होगा। कन्या राशि, लालच आज आपके रास्ते में दिखाई देगा, लेकिन आवश्यक है कि आप सही मार्ग पर चलें। गलत और छोटे रास्ते अंत में आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सही रास्ता चुनना इतना आसान नहीं होगा और ये तभी हो सकता है जब लालच आप पर हावी ना हो। अगर आप अपने से यह नहीं कर सकते तो एक सच्चे शुभचिंतक की सहायता ले सकते हैं जो आपको मजबूत रहने में मदद करेगा। तुला राशि, आज कार्यस्थल पर कई अलग तरह की स्थितियां आपके समक्ष आएंगी और आप इसके लिए बाध्य होंगे कि आप स्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। आज आपके काम की नैतिकता के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने सहकर्मियों के साथ ना चलने के कारण कुछ तनाव की स्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अपने मालिक की नज़रों में आ पाएंगे और उनका भरोसा भी जीतेंगे, और इस तरह के कारण आपके करियर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि, अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप आज वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। धनुराशि, आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि दिख रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन आपका डर निराधार है। यहां तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज़ को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे। सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे। मकर राशि, आज के दिन जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर एवं पदोन्नति मिल सकती है। अगर आपके सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको शुभ संदेश मिल सकता है। ये समय किसी दूसरी नौकरी जैसे कि प्रशासनिक कार्यों के आवेदन के लिए अच्छा है अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं। कुंभ राशि, आज आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नहीं कि वे खर्चे दूर नहीं किए जा सकते थे, बल्कि इसलिए कि आप खुद उन खर्चों को करना चाहते थे। यह ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं, जो कि बुद्धिमत्ता वाला काम है, लेकिन आज आप अपने या अपने किसी खास व्यक्ति को आपके बहुत निकट है उससे किसी छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। मीन राशि, कुछ समय से आपके कार्यालय में आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नज़रों में काफ़ी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतज़ार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की दोष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है।
ये आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव ना डाले।